अस्सलाम वालेकुम क्लास सिक्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर एंड दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 8 ऑफ टॉपिक हज़रत उमर रज़ील्लाहु ताला अन्हा। एज इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस द यूज़ ऑफ सिमिलीज एंड आल्सो डिस्कस द सम डिफिकल्ट वर्ड्स विद देयर मीनिंग इन इंग्लिश एंड देन टुडे वी विल डिस्कस द जेंडर नाउन्स एंड देयर काइंड्स। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 32। सो ओपन योर बुक पेज नंबर 32। First of all, we will read the definition of masculine gender nouns. A masculine gender noun means which refer the male animal and male person. Feminine genders जो होते हैं वो refer करते हैं female animal को और human beings जो women हैं उनको। Common gender है वो refer कर रहा है किसको, males and जो word जो है male और female दोनों के लिए use होंगे उनको हम जो है common gender कहेंगे। और neuter gender जो है वो उसमें हम लोग non-living things को discuss करेंगे। Clear? Masculine gender nouns are used for women, boys and male animals. Feminine gender nouns are used to women, girls and female animals. Common gender nouns are used for both male and females. Neuter gender nouns used for neither a male for nor a female. They refer to non-living things. देखें सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि gender nouns क्या है। Gender nouns mean which refers to the male and female persons, animals. जिसमें हम differentiate करते हैं persons के gender को, ये male है female है, उनको हम लोग जेंडर नाउन कहते हैं उन नेम्स को। अब उसके आगे से जो काइंड्स हैं वो हैं हमारे पास मैस्कुलाइन जेंडर विच रेफर्स द मेल एनिमल्स एंड मेल पर्सन्स, और नेक्स्ट है फेमिनाइन जेंडर विच रेफर्स द फीमेल एनिमल एंड पर्सन्स। A common gender means which refers to the males and females, means the words which used for the both males and females. Neuter gender means are used for neither a male nor a female. They refer to non-living things. The non-living things ko refer karega na hi wo male hai na hi female hai. वो जो है नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनके लिए हम क्या कौन सा जेंडर यूज़ करते हैं, उनके लिए हम न्यूट्रल जेंडर यूज़ करेंगे। और कॉमन जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ होगा, मैस्कुलाइन जो सिर्फ मेल के लिए यूज़ होगा और फेमिनाइन सिर्फ फीमेल के लिए यूज़ होगा। क्लियर? नाउ लेट्स रीड द एग्जाम्पल ऑफ द ऑल द जेंडर नाउन्स। शी इज़ द मोस्ट टैलेंटेड गर्ल इन आर क्लास। अब इसमें देखें जो वर्ड्स बोल्ड हैं यूज हुए हैं, मीन्स के जो बोल्ड कलर में है, जैसे गर्ल है, लेडी है, मैन है, ब्रदर्स, नॉवल, होटल, टीचर, नेबर्स। अब ये जो जेंडर्स हैं ये कौन कौन से हैं? अब अगर हम गर्ल की बात करते हैं तो वो किसके लिए यूज़ होता है? फीमेल पर्सन के लिए यूज़ होता है ना गर्ल, हम फीमेल्स के लिए यूज़ करते हैं, तो ये कौन सा जेंडर होगा? फेमिनाइन जेंडर। नेक्स्ट वाले में देखें, आई मेट अ स्ट्रेंज लेडी लास्ट नाइट, और लेडी भी फीमेल के लिए यूज़ होता है, तो ये कौन सा होगा हमारा? फेमिनाइन जेंडर। हजरत उमर रज़ील्लाहु ताला अन्हा वॉज अ मैन ऑफ जस्टिस, मैन किसके लिए हम यूज़ करते हैं? सिर्फ मेल के लिए, तो ये कौन सा जेंडर होगा? मैस्कुलाइन जेंडर। वन ऑफ माई ब्रदर इज इन आर्मी, ब्रदर्स भी कौन किसके लिए यूज़ हो रहा है? सिर्फ मेल के लिए यूज़ हो रहा है। दिस नावल इज अमेजिंग। अब नावल जो है नॉन लिविंग थिंग्स है, ना ये मेल है ना ये फीमेल है, बुक के लिए यूज़ हुआ ना ये, तो फिर ये कौन सा जेंडर होगा हमारे पास? न्यूट्रल जेंडर नाउन। ही वर्क्स इन दिस होटल। अब होटल जो है वो भी नॉन लिविंग थिंग्स है, ये कौन सा जेंडर होगा हमारे पास? न्यूट्रल जेंडर नाउन होगा ऑब्वियसली। लेट्स आस्क द टीचर। अब टीचर मेल के लिए भी यूज़ हो रहा है, फीमेल के लिए भी आप वर्ड यूज़ करते हैं ना, चाहे वो टीचर मेल हो या फीमेल हो, आप उनके लिए टीचर यूज़ करते हैं ना। जैसे आप स्कूल में टीचर्स हैं तो जो भी जितने भी टीचर्स हैं मेल या फीमेल, तो आप उनके नेम से पहले टीचर लगाते हैं, तो वो टीचर वर्ड जो है मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ हो रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड कॉमन जेंडर नाउन। इट्स आर मॉरल ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ आवर नेबर्स। अब नेबर जो है मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं, तो ये भी क्या है? इट्स आल्सो कॉमन जेंडर नाउन। ओके, क्लासीफाई द फॉलोइंग नाउन्स अकॉर्डिंग टू दियर जेंडर्स। अब जो है डेफिनेशन को हमने अंडरस्टैंड किया, एग्जाम्पल्स इसकी पढ़ी, इसके बाद जो है उन्होंने हमें कुछ वर्ड दिए हुए हैं जिनको हमने क्या करना है, हमने डिफ्रेंशिएट करना है ये मैस्कुलाइन है, फेमिनाइन है, न्यूट्रल है या फिर कॉमन है। किंग से हम स्टार्ट करते हैं। किंग इज यूज फॉर अ मेल पर्सन एंड दैट इज मैस्कुलाइन जेंडर। ग्लास नाम ये नॉन लिविंग थिंग्स है, दैट इज न्यूट्रल जेंडर। कैट इज यूज फॉर फीमेल, दैट इज फेमिनाइन जेंडर। राइटर इज यूज फॉर ऑल्सो मेल एंड फीमेल एंड दैट इज कॉमन जेंडर। ओके, क्लियर? बैग इज अ नॉन लिविंग थिंग,
which we used as neuter gender. Okay, manager is used also for the male and female for both, that is called common gender. Friend is also used for male and female, that is common gender. Horse is also used for the male. It is only used for the male, and that is masculine gender. Actress is used for the female, and that is feminine gender. Lady is used for female, and that is feminine gender. Doctor is used for also man and woman, and that is common gender. Man is used for male, and that is masculine gender. Okay, is it clear? Now underline the gender nouns, then change the gender nouns to their ऑपोजिट जेंडर. अब यहाँ जो हमें जेंडर्स दिए गए हुए हैं इस सेंटेंस के अंदर के, इनको रीड करें और फिर हमने जेंडर को अंडरलाइन करना है और उसका ऑपोजिट जेंडर लिखना है. ठीक है, जो मैस्कुलाइन है उसका हमने फेमिनाइन लिखना है, जो फेमिनाइन है उसका मैस्कुलाइन लिखना है. माई ग्रैंड मदर बायज अ न्यू हाउस, इसमें कौन सा जेंडर यूज हुआ है? ग्रैंड मदर इज अ फेमिनाइन जेंडर, एंड ऑपोजिट जेंडर विल बी ग्रैंड फादर. ओके, एंड अनदर सेंटेंस इज द किंग केम टू हिज प्लेस. किंग इज यूज फॉर मेल पर्सन, एंड और इसका ऑपोजिट होगा क्वीन. हिज ब्रदर इज अ फेमस प्लेयर, ब्रदर इज अ मेल एंड दैट इज मैस्कुलाइन जेंडर, और इसका ऑपोजिट जेंडर होगा सिस्टर. हर आंट गेव हर अ बर्थडे प्रेजेंट, अब इसमें आंट जो है वो कौन सा जेंडर है? फेमिनाइन, उसका ऑपोजिट होगा अंकल. ही एक्टेड एज अ हीरो इन द प्ले, हीरो कौन सा जेंडर है हमारे पास? मैस्कुलाइन, एंड ऑपोजिट जेंडर विल बी हीरोइन. इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें लेक्चर को, अपने बुक वर्क कंप्लीट करें, इसको अपने लर्न करना है. पहले तो आप ये थ्री डेफिनेशंस जो है, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जेंडर, इनको जो है अंडरस्टैंड करें, अच्छे से लर्न करें, फिर बुक वर्क कंप्लीट करें. आज के लिए इतना ही है, कल इंशाल्लाह हम लोग आपके नेक्स्ट ग्रामर वर्क करेंगे. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. अल्लाह हाफिज़.